सर, सर कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग सर। एकदम बढ़िया, गुड मॉर्निंग। अभी सो के उठे क्या तुम? अच्छा नहीं सर, मैं थोड़ा काम कर रहा था सर, वो भी इंजीनियरिंग का काम कर रहा था सर। सुबह से लगा था एनस्केप सर, इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, पता नहीं सर क्या हो रहा क्या है चीज नहीं इंस्टॉल हो रहा है? सर। एनस्केप में ट्राई कर रहा था लेकिन सर रेविट पर बार बार बोल रहा है कि सर कि लाइसेंस चाहिए, बाय तुम्हारा करना तुम्हारा पड़ेगा प्रोसेसर कौन, ये सॉरी ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है? सर। कौन सा वाला है सर? 1650 Ti है सर, एनवीडिया। एनवीडिया है, हो जाएगा, एनवीडिया में तो हो जाता है। सर और प्रॉब्लम क्यों हो रहा है सर? मैं ट्राई कर रहा था सुबह से सर, हो ही नहीं रहा था। मैंने सर नेट को मैंने ऑन किया, ट्राई किया, ऑफ किया, ट्राई किया, फिर मैं अभी बस रेविट को वापस इंस्टॉल कर रहा था। अभी अभी देखता हूँ सर मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत प्रॉब्लम हो लगता रहा है, था। ये जो तुम अभी बोल रहे हो ना, ऐसे हम लोग 3 3 दिन तक कभी कभी लग जाता है। और ये चीज ना नॉर्मल बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर की बात हो, RCDC है, ETFs है, जब लग नहीं होता ना दिमाग खराब हो जाता है, 3 3 दिन चला जाता है उसमें। तो ये कोई नई बात नहीं है, तुम्हारे लिए अभी नई बात हो सकती है, हमारे लिए रेगुलर नहीं बात सर, है मैं सर मैं ये। सर ट्राई सुबह से सर मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, हो ही नहीं रहा सर, गुस्सा आ रहा है अभी सर। नहीं, सुबह हो से ट्राई जाएगा। कर रहा हूँ नॉनस्टॉप कौन सा वर्जन तुम्हारे पास रेविट का है? सर। रेविट के 2020 का मैंने सर अभी लिया है और इंस्केप जो डाउनलोड किया है वो सर। इनस्केप का सर 3.1 सर अभी सर वो है। सपोर्टेड था, ये देखा था तुमने 2020 हाँ सर, में? सपोर्टेड 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 हाँ, सर। पहले मैंने वो 2.5 वर्जन जो था मैंने पहले ट्राई किया था वो, लेकिन सर वो हुआ ही नहीं। उसमें एक वीडियो भी तो आता है ना, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, देखा था हाँ कि सर, नहीं? मैंने वो वीडियो देखा सर, लेकिन सर वीडियो सर हाफ देखा था। वो कट के सर कभी नेट ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है सर, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि सर वो लोग कभी नेट अगर ऑन करते हैं ना तो वापस से वो जो सर्वर के सब कनेक्ट हो जाता है, हाँ, कभी नहीं होता, वो एक प्रॉब्लम आ रहा है। वही प्रॉब्लम है, वो एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इसको कोई बता ही नहीं सकता, सर्वर कनेक्ट किया तो वो बंद हो जाएगा। हाँ सर, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, परेशान मत हो बिल्कुल भी। और वो नहीं हुआ इन केस तो वीरे इंस्टॉल कर लेना, रेबिट में वीरे भी होता है, बट क्या बोलते हैं, इनस्केप ज़्यादा बेटर है। मेरे लैपटॉप में होता ही नहीं है क्योंकि इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड की वजह से, तुमने वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया भी होगा उसमें हाँ सर, हाँ सर, कि हाँ सर। इंटेल की वजह से ही मैं नहीं कर पा रहा हूँ। चलो फिर हाल, अपना क्वेश्चन पूछो। सर मेरा मेन क्वेश्चन है सर अभी सर जॉब रिलेटेड, कि सर अच्छा, ऐसे एक सिचुएशन अभी पड़ गया है कि सर जहाँ पर मैं बिलोंग करता हूँ त्रिपुरा में सर, वहाँ पर सर सिविल इंडस्ट्री सर ना के बराबर है यहाँ पर। सो मुझे कुछ बाहर जगह मतलब कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता या फिर पुणे के जॉब मतलब कि करना ओके, पड़ेगा। तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? 2021 है सर। 21, मतलब यस सर, अभी पास आउट हुए हो, हाँ सर। चलो अच्छी बात है। और तुम्हारा कम्युनिकेशन कैसे है? 10 out of 10 करना हो अगर अपने कम्युनिकेशन को तो कितना रेट करोगे? 10 out of इंग्लिश कम्युनिकेशन की सर बात हो रही है, इंग्लिश इज अबाउट कैन से 6 6, मतलब सम मोर देन आर एवरेज। यू एबल टू एक्सप्लेन योर टॉपिक्स, कोई भी यस सर, आई कैन टॉपिक? ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन। ओके गुड, मतलब अभी थोड़ा इंप्रूव करोगे तो काम हो जाएगा इन दैट केस, लाइक ओके। अब देखो तुम्हारे पास, तुमने जहां तक रेबिट सीख ही लिया होगा तभी इनस्केप कर रहे हो, हाँ। रेबिट में कितने प्रोजेक्ट किए हैं ऑनेस्टी से बताना। सर रेविट में मैंने अभी सर 3 प्रोजेक्ट कर रहा था, और अभी मैं सर कल रात से एक और स्टार्ट किया था, वो सर स्पेनिश विला टाइप का कुछ देखा था मैंने यूट्यूब पे, मैं ट्राई कर रहा था उस पर। अच्छा और सर आज मैं उस पर शायद कुछ स्विमिंग पूल भी ऐड करना चाहता था, लेकिन एंडस्केप ही नहीं हो रहा है, तो मतलब कि वो आउटपुट को हाँ, मतलब नो रेंडर कि उतना उस बेटर लेवल नहीं, का रेंडरिंग नहीं है। रेंडर उस लेवल का हाँ नहीं हो पा रहा है जिस लेवल को तुम चाह रहे हो। रेविट पर रेंडरिंग में सर मजा नहीं आता जितना भी ट्राई हाँ ये तो किया। है, रेविट में जो रेंडर है उसका क्वालिटी उतना हाई लेवल का नहीं है, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। और चलो कुल मिलाकर तुमने अभी 3 प्रोजेक्ट किए हैं ना, तो यस पहला सर, टॉपिक यस तो तुम्हारा यही हो गया कि तुम्हें ये 3 को 30 करना पड़ेगा, सर। ठीक है? मेरे पास अभी 2 लाइव प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, तुमको चाहिए होगा तो ले लेना उनकी, उनको 3D बना के मुझे दिखाना, तुम्हारे कितना लेवल की क्रिएटिविटी है मुझे आइडिया लगेगा, तो ठीक है? क्योंकि देखो रिफर करने को मैं रिफर कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रिफर उसको किया जाता है जो अपने काम में बेस्ट हो, ठीक है? क्योंकि अगर मैं देवानी को भेज रहा हूँ किसी, आज मैंने एक लड़का है हर्ष करके, तो अपना ओल्ड स्टूडेंट, मैंने उसको रेफर किया, ठीक है? बहुत कम रेफर करता हूँ मैं, टू बी फ्रेंक। क्यों और कम रेफर करता हूँ? क्योंकि अगर आप कहीं जाते हो और वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वहाँ पर अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो आपका नाम खराब होगा, ठीक है? मतलब मेरा नाम खराब होगा तुमसे ज़्यादा मेरा, कि मैंने तुमको भेजा हुआ है, ठीक है? तो कुल मिला के देखो तुम्हें करना क्या पड़ेगा,
30 प्रोजेक्ट्स तुम्हें मिनिमम ऐड करने पड़ेंगे कम से कम, ठीक है? क्योंकि उन 30 में से, पोर्टफोलियो में ऐड करूँ या फिर कहाँ पे से नहीं, पोर्टफोलियो में? 30 प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अच्छा सर, उन 30 में से 10 तुम्हें निकालने पड़ेंगे, 10 निकालने पड़ेंगे अच्छे वाले, सारे अच्छे नहीं होंगे ना, ठीक है? देखो देवेनी, तुम क्या हो मुझे क्या पता, लेकिन तुम्हारा पोर्टफोलियो मुझे बता देगा तुम क्या हो, गॉट इट? तो मेरा कहना यह है कि कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे पास हैं अभी ऑलरेडी, मेरे पास दो तीन रनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं लाइव के, तो उनको भी ले लो और प्रोजेक्ट्स करके उनकी 3D बनाओ, ठीक है? और 3D बना के उसके बाद उसमें क्या करो कि रेंडरिंग करो उसकी, अभी तुम्हारा हो जाएगा, इसका टेंशन मत लो, रेंडरिंग हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद उसका एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो बनाओ अच्छे लेवल का। देखो मैं एक बच्चे का तुम्हें पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, ये तुम्हें लाइव दिखा रहा हूं, अगर इस लेवल का पोर्टफोलियो आ गया तुम्हारा तो ये समझो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। ये भी काम कर रहा है बच्चा, और ये जब मेरे से सीख रहा था तब का उसका लेवल है, अब तो ये बढ़ चुका होगा जहां तक मुझे आइडिया है। शायद मैंने तुमको भेजा है, मुझे याद नहीं है, अगर तुमने मांगा होगा तो मैंने जरूर दिया होगा, नहीं मांगा होगा तो फिर काम नहीं दिए होंगे। तो सिर्फ दिखाने के लिए तुम्हें इंस्पिरेशन मिले, एकदम सिंपल सा सीवी है बच्चे का, और तुम देखो इसकी सीवी, इसने रेबिट पे मेरे से ही सीखा हुआ, जो तुमने कोर्स लिया है शायद वही कोर्स इसने भी लिया है, ये देखो, ठीक है? ये इंस्केप से किया हुआ रेंडरिंग है, ये नहीं, ये तो सिंपल रेंडरिंग, आगे इंस्केप का भी है, देखो ये। इस लेवल पे जब तुम पहुंच जाओगे, ठीक है, डेफिनेटली एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है? इस लेवल पे जब तुम पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें देखते ही हायर कर लूंगा मैं, मतलब कोई भी कंपनी। अब देखो लग रहा है ना प्रोफेशनल लग रहा है ना, ठीक है? और ये तुम्हारे ही बैच का लड़का है, ठीक है? तो अगर ये कर सकता है मतलब डेफिनेटली यू कैन। तो ये देखो इसने, हाँ इसने ये देखो लाइटिंग वगैरह जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो सब लाइटिंग वगैरह ये यूज वाला किया। बहुत अच्छा है ना, ये हाँ वाला बहुत अच्छा, अभी तो देखो, अभी लाइट व्यू का जो दिख रहा है, लाइट और प्रॉपर लाइटिंग बहुत अच्छा आगे देखो, अभी ये देखो ये है, अब इसके बाद ये देखो, ये इंस्केप की रेंडरिंग है, देखो इसने लिखा भी होगा यहाँ पे प्रोजेक्ट इंस्केप, ऊपर सब रेबिट के थे, ये इंस्केप की रेंडरिंग है, और ये नहीं है, इसके आगे देखोगे तो और मजा आएगा। ये देखो उससे भी ज्यादा रियलिस्टिक कर दिया इसने, ये सब कंपोनेंट इंस्केप में रहते हैं, डायरेक्ट लगा दिया उसने, और इससे भी ज्यादा बेहतरीन ये है। और इसने क्या किया, एक ही प्रोजेक्ट को बार बार बेस्ट करने की कोशिश किया। अभी ये देखो, ये देखने के सर। ये बाद, तो कुछ बंगलो जैसा है सर, हाँ तो इसको देखने के बाद कोई हायर नहीं करेगा, बताओ ऐसा हो सकता है? ये देखो, ठीक है? तो जब इस लेवल पर आप पहुंच जाओगे तो आपका जो भी पोर्टफोलियो देखेगा वो आपको कॉल जरूर करेगा, ठीक है? तो मेरा कहना यह है कि 30 प्रोजेक्ट्स करो, उनमें से 10 बेस्ट प्रोजेक्ट्स निकालो, ठीक है? और उनको इस तरीके से जैसे इसने किया है अलग अलग व्यूज में ऐसे शेयर करके एक बढ़िया पोर्टफोलियो का रिप्रेजेंटेशन तैयार करो, ठीक है? और वो अपने रिज्यूम के साथ भेजो। अभी रिज्यूम भेजोगे कोई शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? तुमने सिर्फ रिज्यूम भेजा ना, रिज्यूम तो आज के टाइम में कोई भी भेज देगा, ठीक है? तो उसने सैंपल करके दिखाया, लोग सेलेक्ट किए, ऑलरेडी वो जॉब में है और बीम के जॉब में है, ठीक है? और ये जब वो सीख रहा था तब, अभी उसको 1.5 साल हो गया काम करते हुए, अभी उसका लेवल क्या होगा, हाई हो गया होगा और तो मतलब ये तुम्हें जिस इंस्पिरेशन के लिए दिखाया मैंने कि ये देखो अगर वो तुम्हारे बैच का लड़का कर सकता है मतलब तुम भी कर सकते हो, दैट्स इट। तो पहला काम करो कि तुम अपने आप को परफेक्ट बनाओ, ठीक है? ये करने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 month इज सफिशियंट अगर फुल टाइम कर रहे हो तो, ठीक है? बस एक चीज ध्यान देना कि उस टाइम पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से दूर रहना, ये सबसे बड़े वायरस हैं आज के टाइम पे, ठीक है? बीच में मैं भी एडिक्टेड हो गया था, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आता है सार्क करके, तुमने अगर देखा होगा तो, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, ठीक है? तो मुझे किसी ने रिफर किया, मैंने देखा, एक देखा अच्छा लगने लगा, फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, मैं एडिक्टेड हो गया, मेरा दिन का 2 से 2.5 घंटे चलने लगे 2-3 दिन तक। तो उसमें एक सेटिंग होता है जिसे आप चेक कर सकते हो कि कितने मिनट तक क्या चला रहे हो, मैंने देखा तो मेरा बहुत टाइम उसमें जा रहा था, तो मैंने क्लोज कर दिया, मैंने देखना ही नहीं है, ठीक है? तो आपको कुछ इस तरीके से करके देवानी प्रैक्टिस करना पड़ेगा बदल। अब बताओ आगे। सर यही बड़े मेन डाउट था कि सर, मतलब कि एक प्रॉपर मुझे कुछ ट्रैक नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और प्रॉपरली मैं कहाँ तक जाके रुकूँ, फिर कैसे खुद को रिप्रेजेंट करूँ किसी कंपनी के सामने, या फिर कैसे, वो सर मेरे देखो को। देखो क्या होता है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ क्लियर माइंडसेट की मैं बात करता हूँ बार बार, ठीक है? क्लियर माइंडसेट इसी को बोलते हैं,
ठीक है, तुम ये घोड़े, जो घोड़ा होता है ना बड़ी स्पीड से चलता है, अपन उसी स्पीड से नहीं दौड़ सकते। घोड़े क्यों चल पाता है? क्योंकि वो इधर और इधर देखते हैं, उसका कवर रहता है, उसको सिर्फ क्या दिखता है, फ्रंट, क्लियर माइंड सेट है। तुम्हें क्या करना है, भाड़ भैया सारी दुनिया, करोड़ों कमानी है कमाने दो, दोस्त बिजनेस कर रहा है करने दो, अभी मुझे क्या करना है, पहला स्टेप है ऑटोकैड और रेविट आर्किटेक्चर इतना घोल देना है कि लोग देखे तो हमें काम पे रख ले। ठीक है, अब तुम 10 वीडियो भी मत देखो, मतलब जैसे कि मेरे खुद के वीडियो मत देखो तुम, क्यों बोल रहा हूं, अगर तुम्हारा रेबिट के रिलेटेड मैंने वीडियो डाला हुआ तो देखो, नहीं मत देखो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा सर ने ये प्रोफाइल बताया है ये भी अच्छा है, मत देखो ना, हम तो मना कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि आप अपने काम से रिलेटेड ही चीजें देखो और उसी में दिमाग लगाओ, किसी ने इंस्केप का वीडियो डाला है देखो, किसी ने रैबिट का डाला है मैंने डाला है देखो। ठीक है, तो अभी आपका पहला टारगेट देवयानी ये होना चाहिए कि मेरा ऑटो कैट और रैबिट ऐसा हो कि इंडियन लेवल पे अगर टारगेट किया जाए तो कुछ ही लोगों का उस लेवल पर आए। ठीक है, डेफिनेटली वो तुरंत नहीं आएगा, प्रैक्टिस सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसने इसने मुझे मुझे याद इसका करीब करीब 8 से 10 प्रोजेक्ट इसने मुझे दिखाया था करके। ठीक है, मैंने 30 का तुमको टारगेट दिया है, 30 प्रोजेक्ट अगर तुमने कर लिया ना तो देवानी 110% तुम परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और जिसने ओके तुमने वो फोटो जो देखा उसका, अगर ये फोटो तुम इंस्टाग्राम पे डाल दो या फिर फेसबुक पे डाल दो, मैं गारंटी लेता हूँ कि 2 कमेंट जरूर आएंगे लोगों के। सर ठीक है, तो 2 कमेंट अगर आए एक प्रोजेक्ट पे, 30 कमेंट आएंगे 60 प्रोजेक्ट पे, सॉरी सॉरी 60 कमेंट आएंगे 30 प्रोजेक्ट पे, इसको इसको और 60 में से क्या एक भी प्रोजेक्ट, एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, बोलेंगे। ठीक है, और वहीं से तुम्हारा इनकम सोर्स भी बना सकते हो, बट मैं तुम्हें वो नहीं बोलूंगा, क्लियर रखो कि अभी मुझे जॉब करनी है, खत्म। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी बेस्ट ट्रेंडिंग पे फोकस करो जो तुम कर रहे हो, और अपना मॉडल को 30 मॉडल बनाओ। ठीक है, मेरे जैसे कई रोड सारे लोग मार्केट में हैं, ठीक है, मेरे से ले लो प्रोजेक्ट, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरे से प्रोजेक्ट ले लो, करके दिखाओ कि सर मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और कि कोई है तुम्हारे सपोर्ट में उससे ले लो, अपना काम होना चाहिए। ठीक है, और वीडियो देखो ऑटोकॉट एंड रेबिट पे, भाड़ में जाए सारे वीडियोस, मेरे स्ट्रक्चर की वीडियो मत देखो तुम, क्यों, तुम्हारा काम ही नहीं है उसमें, क्यों टाइम लॉस कर रहे हो। तो स्ट्रक्चर में वैसा ही बहुत मतलब वीक है थोड़े, पता इसलिए हाँ, किस नहीं इसलिए मैं तो अभी तुमने थोड़ा क्लियर कर लिया ना कि मुझे ये करना है। हाँ सर ठीक है, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर जो क्लियर है ना, ब्रदर मैं क्लियर हूँ, मेरे को क्या करना है। ठीक है, 2022 का मेरा टारगेट है, ठीक है, 2021 का टारगेट था, बिलीव नहीं करोगे टारगेट के ऊपर मैं जाके काम किया हूँ। ठीक है, रीजन यही था कि मेरा विजन क्लियर था। ठीक है, आज का शेड्यूल फिक्स है, तुमने जब कॉल किया होगा मैंने क्या बोला, 12 बजे तक मैं ट्राई करता हूँ, बट मेरा काम जब हो गया तब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, काम मेरा 12:30 पे हुआ तब मैंने तुमको बोला आ जाओ बात करते हैं, तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिस इज माई सजेशन फॉर यू कि क्लियर माइंड सेट रखोगे, ऑटो कैट और रेबिट तुम्हारा ऐसा हो कि बाप हो, बाप मतलब कहते हैं ना बाप बाप होता है, तो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट हो वो बाप हो, मतलब देख के ही लोगों को लगे भाई कुछ अलग किया है इसने। सर ठीक है, तो ये कर लो, और डेफिनेटली उसके बाद अगर तुम मुझे दिखाते हो या फिर मेरे जैसे 10 लोगों को दिखाते हो तो सभी चाहेंगे यार अच्छी चीजों को हेल्प करने के लिए। ठीक है, नहीं हेल्प करेंगे, मान लो मैंने हेल्प नहीं किया तो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया तो मैं दे दूंगा तुमको, ही कोई भी इंसान देगा ऐसा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों देगा, क्योंकि तुम बेस्ट हो उस स्किल में ना। ठीक है, तुम्हारे पास कोई सीखने आएगा कि क्या बोलते हैं स्टेट प्रो सीखना है, तुम अपने आप ही आओगे सर, आकाश सर से सीख लो। ठीक है, क्यों सजेस्ट करोगे मुझे, मुझे क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने पढ़ा तो तुम्हें फायदा हुआ तो तुम दूसरे को रिफर करोगे। ठीक है, इन केस मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया तो मुझे नहीं रिफर करोगे, दैट्स इट। ठीक है, तो मेरा बस ये सजेशन है कि क्या बोलते हैं अच्छे से पहले 30 प्रोजेक्ट करके दिखाओ मुझे, और 30 प्रोजेक्ट में तुम्हारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट का डेली टारगेट रखो, 30 दिन में 30 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सर गलत बनाओ ये मत सोचो कि पहला प्रोजेक्ट ही बेस्ट होगा, कैसे बेस्ट होगा पहला प्रोजेक्ट। ठीक है, याद करो जब तुम पहले दिन रैबिट तुमने क्लास लिया होगा, क्लास 1 कितना गंदा बनाया होगा, राइट। मुझे वाल बना ठीक से नहीं आता था, क्योंकि सर वाल तक कुछ नहीं आता था। ठीक है, और दूसरे तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन अब तुम यहां पहुंच चुके हो कि तुम रेंडरिंग तक फंसे हो, बाकी मॉडलिंग का तक करने लगे हो। ठीक है, सेम ऑटोकैड के याद करो, पहले दिन लाइन कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ जा रही है, तो ऑटोकैड सर रेविट से मतलब कि बहुत ज्यादा मुश्किल था पहले दिन पहले दिन। सर, ठीक है, लेकिन बहुत यूनिट और फिर कमांड को तो सर अब देखो, बहुत टफ। अब देखो अब कैसा हो गया हो, अब तुम्हें काम करना आ गया है, मैं ही नहीं बोलूंगा तुम परफेक्ट हो गए हो,
ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं, मैं परफेक्ट नहीं तो तुम कैसे हो जाओगे, ठीक है, परफेक्ट नहीं होता कोई, परफेक्शन लाता रहता है इंसान, ठीक है। तो मैं बस ये तुमको बोलूंगा, 30 प्रोजेक्ट करके दिखाओ मुझे, उसके बाद हम तुमको खुद ही बताएंगे कि तुम उस लेवल पहुंच गए कि नहीं, और पहुंचना ही पहुंचना है ब्रदर, 30 प्रोजेक्ट बहुत होता है। तीस ठीक प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट में तुमको अभी के टाइम पे अप्रॉक्स 6 घंटे लगेंगे, ठीक है, 150 घंटे मतलब प्रैक्टिस करना मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है, मतलब पी जाओगे उस चीज को। चलिए इसको करिए, करके मुझे दिखाइए, अगर अच्छा रहा तो मैं रिफर करूंगा, अच्छा नहीं रहा तो मैं बोलूंगा 30 और करो, सीधी सीधी बात है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आपको वही प्रमोट करेगा जो जिसको लगेगा तुम्हारे काम में दम है ब्रदर, ठीक है। और साथ ही साथ अप्लाई करते रहो, अप्लाई करने में पीछे मत रहो, हो सकता है कोई ना कोई कॉल बैक करी, ठीक सर, है। और कम्युनिकेशन जरूर ध्यान रखो, एचआर के क्वेश्चंस के वीडियोस देखो, ठीक है, वीडियोस देखना है तो एचआर के क्वेश्चन के देखो, रेबिट के देखो, बस। एक आर्किटेक्ट है बालकन आर्किटेक्ट करके, उनके वीडियोस देखो, यूट्यूब पे देखो, बिल्कुल बहुत अच्छा बताते हैं, ठीक है। सोचो मैं खुद ही बता रहा हूँ कि वो क्यों, क्योंकि उनका काम अच्छा लग रहा है, मैंने देखा उनको, बहुत ठीक है। अच्छा सर। हाँ, तो जो अच्छी चीज है उसको जो इंसान समझता है वो एक्चुअल में रिफर करेगा, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन है तो बोलो। स्टक हो गया क्या, नेटवर्क गया? नहीं सर, कुछ क्वेश्चन नहीं सर, मेरा मेन क्वेश्चन यही था, हाँ, कोशिश और क्या सर करो कि हफ्ते में एक दिन ना थोड़ा घूम के आया करो, ठीक है, जब भी टाइम लगे। ये तो चलो हो गया, सेशन हो गया, आप ऐसे बात कर रहे हैं, तो कोशिश ये सर क्या करो कि एक दिन हफ्ते में घूम के आया करो। पता है क्या होता है उससे, विजुलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। मैं क्या करता था, अभी तो अपन के पास मीट सोशल मीडिया आ गया और सारी चीजें आ गई, जब हम लोग के पास ये सब चीजें नहीं थी तो मैं पहले ये कुछ कोशिश करता था। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मैं सोचता था कि एक अच्छी सी मोबाइल हो जाएगी ना, तो ये लोग जो मैं सोसाइटी में निकलता हूँ तो जो अच्छे अच्छे घर हैं अपन के, छोटे सिटी में कैसे होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं ना अच्छे अच्छे उनके पिक्चर्स ले लूंगा घर के और उनको प्रैक्टिस करूंगा रैबिट के ऊपर। तो मेरा भी सर अभी कुछ मतलब कि सर वैसा ही कुछ माइंडसेट हो गया है सर। हाँ, जब भी मैं कुछ यूनिक कुछ देखता हूँ रास्ते पर, फिर मैं सोचता हूँ कि ये तो वो किस वर्क से बना है, एक स्टूडेंट से बना है, वो आके मैं ट्राई करता हूँ घर पे कभी कभी। ये सर कुछ मजा आने लगता है इस चीज़ में, ये सब बहुत क्योंकि इसीलिए। कोई भी बिल्डिंग का जब देखता हूँ, क्योंकि सर हमारे वहाँ पर एक एयरपोर्ट हुआ है, मतलब कि एक न्यू एयरपोर्ट हुआ है, वहाँ पर 60% का जो वॉल है वो सर कर्टन वॉल का है। तब मैं घर पे आता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अगर कुछ ट्राई कर सकता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कभी कभी सर ऐसा करना कुछ। चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि घूम के आओ। तो फिर मैंने खुद ही मोबाइल खरीदा, उसके बाद बहुत दिन बाद थोड़ा पैसे उससे इकट्ठा किए मैंने। उससे पहले थे मोबाइल, बट वो था वो कार्बन का एक मोबाइल आता था 1600 रुपए का, अपना बजट उसी लेवल का था। तो और उसके बाद मैंने 3S Prime करके एक मोबाइल खरीदा था, जो कि बड़ा मेहनत करके 7000 का मोबाइल खरीदा था। अभी तो मतलब अपने रेडमी पास, का था शायद सर, हाँ, रेडमी का रेडमी उस का नया चला ओके हुआ सर। था, तो मैंने वही लिया था। और अभी तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, ऊपर वाले की दया से अभी तो बहुत कुछ है, लेकिन वो दिन मतलब अच्छा होता था कि हम लोग पिक्चर्स लेके उसकी प्रैक्टिस करते थे। तो मैंने किया प्रैक्टिस उसका, बड़ा फायदा हुआ था उसका, ठीक है। और बाद में तो जब जियो आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आजकल सब गूगल पे ही सर्च करते। बट जो विजुअलाइजेशन सामने देख के आता था वो गूगल पे नहीं आता है, सर ठीक है। अभी भी मैं बोलता हूँ, अभी भी मैं देखता हूँ गूगल से ही, मैं भी खुद ही भी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता कि भाई बाहर जाके मैं करके आऊंगा। लेकिन जो बाहर देखता था वो आँख में एकदम एक्सरे हो जाता था, ठीक है, उसकी छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो अपनी स्टोर हो जाती थी माइंड्स में। तो एक दिन हफ्ते में जाओ, घूम के आओ, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो पटाई हो गए हैं, तो गर्लफ्रेंड को लेके जाओ उसका। सर हाँ, तो उसको बोलो कि क्या बोलते हैं, ये रिकॉर्डिंग तो है, मम्मी भी देखेंगे क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। अब तो तुम फंस गए, मैं तुम्हारे घर पे रिफर करवा देता हूँ। फिलहाल तो क्या बोलते हैं, तुम बाहर जाओ, ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे जगहों पे जाओ जहाँ पे इन सब चीज़ों का एक्सपोजर ज़्यादा हो, ठीक है। तो अभी पहाड़ पे जाओगे तो ये सही चीज़ें नहीं मिलेंगी डेफिनेटली, वहाँ पे पहाड़ पे घर थोड़ी देखोगे। तो ऐसे अच्छे अच्छे जगह जाओ। मेरे मैं अभी अभी भी जाता हूँ तो रेस्टोरेंट वगैरह में जाता हूँ, तो ऐसे रेस्टोरेंट में जो थोड़े क्रिएटिव रेस्टोरेंट्स हैं, तो अच्छा लगता है कि वहाँ के जो इंटीरियर वगैरह है, फॉलो करके पैसा कमाओगे आज नहीं तो कल, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। 30 प्रोजेक्ट का मैं वेट करूंगा, बिल्कुल तुम सर, अच्छा करो, मैं तुम्हें 2-3 प्रोजेक्ट दे देता हूँ अभी के लिए, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके सर, ओके सर, और आप मुझे दो, सेंड कर दीजिए, हाँ, मैं और दो देखूंगा। तीन क्या बोलते हैं, बनाने को भी दूंगा, 2-3 मेरे पास बने हुए हैं, उनको देख के तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके सर, चलो ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम।